स्पेस बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर भी हम इंसानों ने इस जगह पर फतह हासिल की है। हमने हमारी सीमाओं को लांघकर कई बार खतरों से भरे इस स्पेस में खतरनाक मिशन आयोजित किए हैं, जिनमें काफी बार हमें सफलता मिली है तो कई बार हमने मुंह की खाई है। और इसके लिए हमने स्पेस में भेजे हुए कई जानवरों और इंसानों को भी खोया है। आज हम दोबारा चांद पर जाने की सोच रहे हैं, मंगल पर मिशन आयोजित कर सकते हैं और पृथ्वी से सैकड़ों किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हर वक्त हम में से कोई 6 लोग हमेशा वहां पर मौजूद रहते हैं। और ये सब मुमकिन हो पाया है अपनी जान जोखिम में डालकर स्पेस में पहले जाने वाले उन वॉलंटियर्स की वजह से। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं उन वॉलंटियर्स को और उस सच्चे स्पेस मिशन की असली वीडियो फुटेज के साथ असली कहानियां। मैं हूं आपका दोस्त रवि और आपका फिर से स्वागत है विज्ञान शो के इस एपिसोड में। लाइका। लाइका स्पेस ट्रेवल करने वाली पहली एनिमल थी। लाइका से पहले कुछ इंसेक्ट और अल्बर्ट वन नाम के एक बंदर ने भी अंतरिक्ष यात्रा की थी, लेकिन वो सिर्फ अर्थ की सब ऑर्बिटल सीमा तक ही सीमित थी। इसलिए एक्चुअल स्पेस में ट्रेवल करने वाले पहले एनिमल का खिताब लाइका के नाम रहा। सन 1950, ये वो दौर था जब इंसान स्पेस में जाने के लिए बेताब था और उसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंटल स्पेस मिशन आयोजित किया, जो इंसान को स्पेस में भेजने से पहले जानवर को वहां भेजकर किया जाने वाला एक प्रयोग था। इस मिशन का मकसद बस ये जानना था कि क्या आउटर स्पेस में कोई इंसान जिंदा रह सकता है या नहीं। और इसके लिए रशियन वैज्ञानिकों ने मॉस्को की सड़कों से एक 3 साल की आवारा फीमेल डॉग लाइका को उठाया और 3 नवंबर 1957 के रोज लाइका को स्पुतनिक 2 नाम के स्पेसक्राफ्ट में बैठाया गया। बेचारी लाइका को तो ये भी नहीं मालूम था कि वो किस प्रयोग का हिस्सा बनने जा रही है। खैर, स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीजन जनरेटर, कार्बन एब्जॉर्बर, फैन और हर वो चीज थी जो एक डॉग को जिंदा रखने के लिए चाहिए। आखिर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया, वो सक्सेसफुली लॉन्च्ड भी हुआ, लेकिन टेक्निकल गलती की वजह से क्राफ्ट का एक हिस्सा उससे अलग नहीं हो पाया और इस वजह से स्पेसक्राफ्ट के अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगा। कैबिन में गर्मी का पारा इतना बढ़ गया कि लाइका उसे सह नहीं पाई। वो गर्मी से लगातार 4 घंटों तक जूझती रही और आखिर में असहाय ताप ने लाइका की जान ले ली। लाइका की मौत के बाद ये स्पेसक्राफ्ट लगभग 5.5 महीनों तक पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा और अंत में 14 अप्रैल 1958 के दिन क्राफ्ट अर्थ के वायुमंडल में दाखिल होते ही लाइका के शव के साथ जलकर खाक हो गया। उसके बाद पूरे विश्व के लोगों ने लाइका के प्रति संवेदना व्यक्त की। बाद में रशियन गवर्नमेंट ने लाइका को सम्मान देते हुए उसकी प्रतिमा बनवाई। कहा जाता है कि 60 के दशक में रशिया ने 57 कुत्तों को एक्सपेरिमेंट के लिए स्पेस में भेजा था, जिनमें से कई मारे गए तो कुछ वापस भी आए थे और जो वापस आए थे उन्हें दोबारा स्पेस में भेजा गया था। पर विश्व की आलोचनाओं से बचने के लिए रशिया ने अपने सारे मिशन जाहिर नहीं किए थे। हैम चिंपैंजी। दोस्तों, लाइका के जैसी ही एक और कहानी है हैम चिंपैंजी की। पिछले दशक में अंतरिक्ष के दौर में अमेरिका रशिया से पीछे नहीं रहना चाहता था और इसलिए उसने भी अपनी दावेदारी साबित करने के लिए कई सारे मिशन आयोजित किए और इस कहानी का मुख्य किरदार है एक चिंपैंजी। फ्रांस के कैमरून में जन्मे इस क्यूट से दिखने वाले चिंपैंजी को कुछ लोगों ने उसकी माँ से छीनकर मियामी के एक जू में बेच दिया था। उसके बाद इस चिंपैंजी को वहां से यूएस एयरफोर्स ने खरीद लिया और सन 1959 में इसे हेलोमेम एयरबेस पर लाया गया। यहाँ इसके जैसे कई सारे और चिंपैंजी भी थे और यहाँ इन बंदरों पर साइकोलॉजी में आइवन पावलोव द्वारा डिवेलप की गई कई सारी टेक्निक्स और क्लासिकल कंडीशनिंग पर आधारित एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, जिनमें एक है सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ एनालिसिस करना सिखाया जाता था। हैम इन प्रयोगों में सबसे अच्छा करने लगा था और इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे बड़े मिशन के लिए तैयार किया।
मिशन स्पेस में जाने का था और मिशन का मकसद ये जानना था कि आउटर स्पेस में पृथ्वीवासी प्राणी अपने दैनिक गतिविधियां कर सकते हैं या नहीं। इस मिशन के लिए हैम को पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड की टेक्निक का उपयोग कर स्पेस सूट पहनना, क्राफ्ट में रहना और क्राफ्ट में जिंदा बचे रहने की हर तरकीब सिखाई गई। हैम ने भी बड़ी शिद्दत से हर वो चीज सीखी जो उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा थी और आखिर वो वक्त आ गया जिसका अमेरिकन वैज्ञानिकों को बेसब्री से इंतजार था। 13 जनवरी 1961 इसके नेक्स्ट डे हैम को स्पेस में भेजा जाने वाला था और इस दिन सबने उसे खाना पीना, वक्त और प्यार दिया। उस दिन उसे हर वो चीज करने दी जो उसे करनी थी। सबको मालूम था कि ये दिन हैम के जीवन का आखिरी दिन हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार उसे जिंदा वापस आने की उम्मीद बहुत ही कम थी। खैर, अगले दिन हैम को स्पेसक्राफ्ट में बैठाया गया। उसके शरीर पर सेंसर्स लगाए गए ताकि उसकी हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जा सके और आखिर फ्लोरिडा से हैम का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ। अपार गति से वो स्पेसक्राफ्ट उड़ने लगा। ऊंचाई पर जाते हुए और गुरुत्वाकर्षण को चीरते हुए उसने अर्थ के ओजोन लेयर को पार कर दिया और वो आउटर स्पेस में था। असली अंतरिक्ष में कुछ समय एक्चुअल स्पेस में रहने के बाद हैम के क्राफ्ट का कैप्सूल अलग होकर पृथ्वी की ओर मुड़ा और अंटार्कटिका ओशन की ओर बढ़ने लगा। हैम का कैप्सूल धीमी गति से नीचे आ ही रहा था कि अचानक अंटार्कटिका समुद्र में उसकी क्रैश लैंडिंग हुई। सब समझ गए थे कि हैम अब नहीं बचा होगा। कैप्सूल को पानी से निकाला गया और अब तक अमेरिकन वैज्ञानिकों ने यह जान लिया था कि स्पेस में कोई जीव अपने दैनिक गतिविधि यानी कि डेली एक्टिविटीज कर सकता है। उन्हें जो रिसर्च डेटा चाहिए थे वो उन्हें मिल चुके थे। मिशन पूरा हो चुका था लेकिन हैम की क्रैश लैंडिंग का उन्हें अफसोस था। सब उस कैप्सूल को देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि हैम की बॉडी का क्या हाल हुआ होगा। जिस वैज्ञानिक ने कैप्सूल को खोला उसने पहले सॉरी बोला और गेट ओपन किया और गेट को खोलते हैं। ये क्या, हैम जिंदा था। सब आश्चर्यचकित थे। बस इसके मुंह पर थोड़ी सी चोट लगी थी लेकिन वो ठीक ठाक और सलामत था। इस घटना के बाद अमेरिकन एयरफोर्स की विश्व में तारीफ होने लगी और हैम फेमस हो गया। पर दोस्तों, ये फेमस हैम जब किसी काम का ना रहा तो उसे एयरफोर्स ने वॉशिंगटन के एक जू को दे दिया। वहां उसे पिंजरे में रखा गया और कुछ 17 सालों के बाद उसकी उस पिंजरे में ही मौत हो गई। और इस तरह मानव जाति के विकास के लिए हैम नाम के इस बंदर का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। यूरी गगारिन। दोस्तों, इंसेक्ट, चूहे, डॉग और चिंपैंजी के परीक्षण के बाद अब समय आ गया था कि खुद इंसान स्पेस में अपनी मौजूदगी दर्ज करे। अब वक्त था इंसान को स्पेस में भेजने का और संपूर्ण मानव जाति की तरफ से ये जिम्मा उठाया सोवियत रूस के यूरी गागरिन ने। सोवियत रूस ने जब अंतरिक्ष यात्री की ट्रेनिंग के लिए आवेदन मांगे तो रशिया में करीब 3000 से भी ज्यादा आवेदन आए थे जिनमें से यूरी गागरिन भी एक थे। और इन 3000 लोगों में से यूरी गागरिन के साथ सिर्फ 20 लोगों को चुना गया और अंत में फाइनल सिलेक्शन यूरी गागरिन का हुआ। और इस चुनाव के लिए उनके छोटे कद ने भी अहम भूमिका अदा की जो स्पेसक्राफ्ट में आसानी से फिट हो जाता था। अंत में सारी तैयारी और ट्रेनिंग के बाद दिन आया इंसान को स्पेस में भेजने का। 12 अप्रैल 1961 यूरी गागरिन के लिए एक खास किस्म का स्पेसक्राफ्ट उन्हें स्पेस में ले जाने के लिए तैयार था। वो स्पेस में जाने से पहले वो अपने कुछ सहायकों से मिले जिनमें से एक ने उनको कहा कि प्लीज कम बैक, तुम वापस जरूर आना। और गागरिन ने विश्वास दिलाया कि वो वापस जरूर आएंगे। और इसके बाद यूरी गागरिन रशियन भाषा में बोले, हम दूर चले। और इन आखिरी शब्दों के बाद उन्होंने स्पेस के लिए उड़ान भरी। मजे की बात यह है दोस्तों कि रशिया के एस पायलट ने, जिसने कई फाइटर प्लेन्स को 360 डिग्री से घुमा दिया था, वो आज अपने स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता था। जी हाँ, यूरी गागरिन के अंतरिक्ष अभियान के स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से कंट्रोल किया जा रहा था, उनका इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं था।
बेकानूर कॉस्मोड्रोन से जब लोकल टाइम के अनुसार सुबह के 6:07 पर और मॉस्को के टाइम के अनुसार सुबह के 9:07 पर यूरी गगारिन के स्पेसक्राफ्ट ने जब उड़ान भरी तो ये समय इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि पहली बार किसी इंसान ने अपनी सीमाओं से परे अंतरिक्ष में जाने का साहस किया था। इस उड़ान के बाद जब गगारिन स्पेस में पहुंचे तो पृथ्वी का प्रभामंडल देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने वहां से कहा कि पृथ्वी पर पड़ने वाली बादलों की परछाई एक आह्लादित दृश्य खड़ा करती है। उड़ान के 10 मिनट बाद उन्होंने ये भी कहा कि जीरो ग्रेविटी का अनुभव बहुत ही मजेदार है। इसका मतलब उड़ान के 10 मिनट बाद वो पृथ्वी के अपर एटमॉस्फेयर में पहुंच गए थे। उसके बाद पृथ्वी का एक सर्कल लगाने के बाद 9:57 पर फिक्स स्केड्यूल के अनुसार गगारिन के कैप्सूल को पृथ्वी पर वापस लौटने का आदेश दिया गया, और ये सब कुछ पृथ्वी से संचालित था। वापसी को याद करते हुए गगारिन ने बताया कि यान का बाहरी रक्षा कवच बहुत ही तेजी से तप रहा था और विंडो से मैं उस धधकती आग की लपटों को देख सकता था जो पूरे यान को घेरे हुए थी, लेकिन मेरे यात्री कक्ष का तापमान करीब 20°C तक था। अंत में पृथ्वी पर उतरने से पहले उस यान का एक हिस्सा अलग नहीं हो पा रहा था और अपने ही धुरी पर तेजी से घूमने लगा। उस वक्त सबकी सांसें थम गई। लगभग 9 मिनट तक यही हाल रहा, लेकिन एट द एंड सब कुछ ठीक हो गया। उड़ान के लगभग 108 मिनट के बाद गगारिन सही सलामत पृथ्वी पर लौट आए। रशिया के लिए वो दिन बहुत ही खुशी का दिन था। जब पूरी दुनिया के मीडिया में ये बात पता चली तब गगारिन रातों रात एक सुपरस्टार बन गए थे और उनको कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया। गगारिन अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के सबसे पहले इंसान बने, और इस घटना के बाद कई सारे लोग अंतरिक्ष में गए और इंसानों ने चांद पर भी कदम रखा। और आज हम उस दौर में हैं कि हम मंगल पर कॉलोनाइजेशन शुरू करने की सोच रहे हैं। और दोस्तों, ये सब लाइका, हैम और गगारिन जैसे कभी ना भुलाए जाने वाले पृथ्वीवासियों के कारण ही मुमकिन हो सका है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और स्पेस के इन तीनों वॉलंटियर्स के लिए इस वीडियो को हो सके वहां तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें और आपके हर एक सुझाव को हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो विज्ञान शो के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा। आपकी मंगल कामनाओं के साथ फिर मुलाकात होगी। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।